नरोरा के सराफा व्यापारी रोहताश वर्मा हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। आकाश वर्मा व विशाल कुमार दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दुकान लूटने में नाकाम होने पर की थी सराफ की हत्या। सीसीटीवी में दिख रहे एक हत्यारोपी समेत पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों में से रेकी में शामिल दो मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए। मुख्य आरोपी संदीप को जिला भरतपुर उद्योग नगर थाना पुलिस 6 दिसंबर को गिरफ्तार कर पूर्व में भेज चुकी है जेल। अभियुक्त से आला कत्ल पिस्तल भी की बरामद। घटना को अंजाम देने से पहले बदमाशों की ओर से की गई थी रेकी। वारदात को अंजाम देने में 5 बदमाश शामिल थे। वारदात को अंजाम दे जंगल में छुपाई टियागो गाड़ी में बैठ बदमाश फरार हो गए थे। बुलंदशहर की नरोरा पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा किया। दिनांक 22 नवंबर को थाना नरोरा क्षेत्र में एक स्वर्ण व्यवसायी ज्वेलर थे रोहताश वर्मा, जिनकी दुकान के अंदर घुसकर गोली मारकर हत्या की गई। शुरुआती दौर में स्पष्ट नहीं था, क्योंकि लूट की घटना नहीं हुई थी, तो स्पष्ट नहीं था कि उनकी हत्या लूट के इरादे से हुई है असफल होने पर या हत्या का कारण कुछ और है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे। अभियुक्तों के फोटोग्राफ हमारे पास उपलब्ध थे सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। काफी प्रयास के बावजूद उनकी शिनाख्त नहीं हो पा रही। घटना में 9mm की पिस्टल इस्तेमाल की गई थी, क्योंकि मौके से जो खोखे मिले थे दो वो 9mm के थे। इसी बीच 6 दिसंबर को राजस्थान के भरतपुर जनपद में औद्योगिक नगर थाना क्षेत्र में एक अपराधी गिरफ्तार हुआ, जिसके पास से 9mm की पिस्टल मिली। ये जानकारी बुलंदशहर पुलिस को मिली और 9mm की पिस्टल के आधार पर हमारे यहाँ से एक टीम गई। क्षेत्राधिकारी डीवाई वंदना शर्मा को भी भेजा गया, क्योंकि 9mm की पिस्टल से बहुत रेयर क्राइम होते हैं। और वहाँ जाने पर जब उसकी शिनाख्त की गई, तो जो फोटोग्राफ हमारे पास अवेलेबल थे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, उससे पूरी तरह मैच कर रहा था। पूछताछ में उस अभियुक्त ने पूरी घटना की स्वीकारोक्ति की और अभियोग का अनावरण हुआ। इसमें महत्वपूर्ण बात यह पाई गई कि घटना कारित करने में कुल 3 अभियुक्त थे, जिसमें से एक मुख्य अभियुक्त संदीप चौहान, जो अलीगढ़ का रहने वाला है, जिसके विरुद्ध 15 से अधिक गंभीरतम धाराओं के अभियोग दर्ज हैं। 7.5 साल की सजा भी काट चुका है अब तक। वो मुख्य अभियुक्त था और गोली उसी के द्वारा मारी गई थी। उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त पिस्टल 9mm की बरामद हो चुकी है, जिसको हम लोग मिलान के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला भिजवाने की प्रक्रिया में। पूरे घटनाक्रम के खुलासे के बाद ये बात जानकारी में आई कि दो स्थानीय अपराधी, जिनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आकाश शर्मा और विशाल, जो गिरफ्तार किए गए हैं आज, ये इसकी भूमिका में थे, पृष्ठभूमि में थे। और इनके द्वारा 17 तारीख से लेकर 21 तारीख तक इन अपराधियों को संरक्षण दिया गया। ये 3 अपराधी जो इस घटना को कारित करने के लिए आए थे, 17-11 को इस इलाके में आए और विशाल के घर पर रुके। विशाल और आकाश शर्मा जो स्थानीय हैं, आकाश शर्मा का मकान इस दुकानदार जिसके यहाँ घटना हुई थी, इसकी दुकान से मात्र 150 मीटर की दूरी पर है। इन दोनों के द्वारा टारगेट का चिन्हीकरण किया गया, अपराधियों को अपने यहाँ रोका गया और लगातार रेकी करते हुए जब निश्चित कर लिया गया कि घटना कब कारित करनी है, तो ये लोग अलग हो गए और ये दूर से ही इनका सहयोग करते रहे। 3 दिन यहाँ रहने के बाद 21 तारीख को अलीगढ़ जाकर के इस ग्रुप ने एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था की। ये पूरा ग्रुप एक टियागो कार से घटना कारित करने के लिए आया था। साथ में इन्होंने अपने साथ एक मोटरसाइकिल लाई और जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे थे या टोल बैरियर्स थे, वहाँ पर ये ग्रुप के लोग जो है कार में हो जाते थे और एक आदमी केवल मोटरसाइकिल चलाता था। घटना कारित करने के बाद इन्होंने करीब 20 किलोमीटर दूर जा कर के मोटरसाइकिल को जला दिया, ताकि अगर मोटरसाइकिल की शिनाख्त हुई हो तो पुलिस फेल हो जाए आगे बढ़ने में। जली हुई मोटरसाइकिल अगले दिन सुबह हम सबको मिली थी। हम प्रयास कर रहे थे, वो मोटरसाइकिल मथुरा से 2018 में चोरी की गई थी। तो इस तरह से अभियोग का पूरी तरह अनावरण हो गया है। दो स्थानीय अभियुक्त जो इस घटना को कारित कराने में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो हमारी कस्टडी में है, गिरफ्तार करके जेल भेजे जा रहे हैं। मुख्य अभियुक्त संदीप चौहान राजस्थान भरतपुर पुलिस की अभिरक्षा में है, न्यायालय की अभिरक्षा में है और जेल में है, और उसका वारंट भी हम दाखिल करके रिमांड पे अपने यहाँ लाएंगे। यह घटना शुद्ध रूप से लूट के इरादे से की गई थी, लेकिन दुकानदार द्वारा अपनी रिवॉल्वर निकाल लेने के कारण इन्होंने गोली मार दी और गोली मारने के बाद आवाज़ हो जाने और पकड़े जाने के डर की वजह से इन्होंने लूट नहीं की और वहाँ से सीधे भाग गए। बुलंदशहर से जावेद खान के साथ मोहित भुटानी की रिपोर्ट।